प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद पार्टी की मेयर और पार्षद धरने पर हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस की महापौर और पार्षद स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले चार दिनों से महापौर पार्षद का धरना जारी है, लेकिन उन्हीं की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। यहां तक कि अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा की शिकायत सीएमओ तक हो चुकी है। मामला इतना गर्मा चुका है कि कांग्रेस के 50 के करीब पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। बावजूद इसके धरना स्थल पर डटे हुए हैं सभी पार्षद। वहीं महापौर मुनेश गुर्जर के अपशब्द वाला वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिस पर उनका कहना है कि उसे गलत तरह से वायरल किया जा रहा है, जबकि वो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को धमका नहीं रही, बल्कि जो शब्द राजेंद्र वर्मा ने उपयोग में लिए तो स्वाभाविक है, मैं भी आराम से बात नहीं कर सकती। वो महिला पार्षदों से बदतमीजी से बात करेगा तो हम भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, लेकिन मेरी वाणी पर मेरा पूरा संयम है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद पार्टी की मेयर और पार्षद धरने पर हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस की महापौर और पार्षद स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले चार दिनों से महापौर पार्षद का धरना जारी है, लेकिन उन्हीं की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। यहां तक कि अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा की शिकायत सीएमओ तक हो चुकी है। मामला इतना गर्मा चुका है कि कांग्रेस के 50 के करीब पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। बावजूद इसके धरना स्थल पर डटे हुए हैं सभी पार्षद। वहीं महापौर मुनेश गुर्जर के अपशब्द वाला वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिस पर उनका कहना है कि उसे गलत तरह से वायरल किया जा रहा है, जबकि वो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को धमका नहीं रही, बल्कि जो शब्द राजेंद्र वर्मा ने उपयोग में लिए तो स्वाभाविक है, मैं भी आराम से बात नहीं कर सकती। वो महिला पार्षदों से बदतमीजी से बात करेगा तो हम भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, लेकिन मेरी वाणी पर मेरा पूरा संयम है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद पार्टी की मेयर और पार्षद धरने पर हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस की महापौर और पार्षद स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले चार दिनों से महापौर पार्षद का धरना जारी है, लेकिन उन्हीं की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। यहां तक कि अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा की शिकायत सीएमओ तक हो चुकी है। मामला इतना गर्मा चुका है कि कांग्रेस के 50 के करीब पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। बावजूद इसके धरना स्थल पर डटे हुए हैं सभी पार्षद। वहीं महापौर मुनेश गुर्जर के अपशब्द वाला वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिस पर उनका कहना है कि उसे गलत तरह से वायरल किया जा रहा है, जबकि वो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को धमका नहीं रही, बल्कि जो शब्द राजेंद्र वर्मा ने उपयोग में लिए तो स्वाभाविक है, मैं भी आराम से बात नहीं कर सकती। वो महिला पार्षदों से बदतमीजी से बात करेगा तो हम भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, लेकिन मेरी वाणी पर मेरा पूरा संयम है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद पार्टी की मेयर और पार्षद धरने पर हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस की महापौर और पार्षद स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले चार दिनों से महापौर पार्षद का धरना जारी है, लेकिन उन्हीं की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। यहां तक कि अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा की शिकायत सीएमओ तक हो चुकी है। मामला इतना गर्मा चुका है कि कांग्रेस के 50 के करीब पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। बावजूद इसके धरना स्थल पर डटे हुए हैं सभी पार्षद। वहीं महापौर मुनेश गुर्जर के अपशब्द वाला वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिस पर उनका कहना है कि उसे गलत तरह से वायरल किया जा रहा है, जबकि वो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को धमका नहीं रही, बल्कि जो शब्द राजेंद्र वर्मा ने उपयोग में लिए तो स्वाभाविक है, मैं भी आराम से बात नहीं कर सकती। वो महिला पार्षदों से बदतमीजी से बात करेगा तो हम भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, लेकिन मेरी वाणी पर मेरा पूरा संयम है।